हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम जानेंगे कि किस तरह आप SPSS में वेरिएबल डाटा फिलअप कर सकते हैं। सो आई हैव 18 क्वेश्चन। सो सबसे पहले आप इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर वन आपने एंटर करना है, तो विदाउट स्पेस देके आप एंटर करेंगे। अब जेंडर में आपने किस तरह के वेरिएबल्स को लिया है? फॉर एग्जाम्पल, जेंडर में आप मेल या फीमेल वेरिएबल लेते हैं, लेकिन कई बार आपके क्वेश्चन ईयर में आपने फीमेल की ही स्टडी करनी होती है, या फीमेल के बारे में ही स्टडी करना चाहते हैं, या सिर्फ मेल के ओपिनियन लेना चाहते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसकी नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी है 1 फॉर मेल एंड सेकेंड नंबर फॉर फीमेल। उसी तरह आपने इस पूरे क्वेश्चन ईयर की वैल्यू करनी है, वैल्यूज देनी है। अब देखिए, सेकंड मेरा जो क्वेश्चन है वो एज से रिलेटेड है। एज की मैंने वैल्यू की है 1, मैंने 15 to 25 को दिया है। 2 वेरिएबल 26 से 35, 3 वेरिएबल 36 to 45 एंड 4 वेरिएबल अबव देन 45 मैंने इसको दिया है। तो उस वेरिएबल को हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर कंटिन्यू सीरीज के बीच लेना है आप कंटिन्यू सीरीज के बीच भी इसको ले सकते हैं। अनदर वन, एजुकेशन और जॉब को भी मैंने डिवाइड किया है। एजुकेशन में भी मैंने जो है वो +2 UG PG MPhil अदर्स कोई भी क्वालिफिकेशन है उसको इंक्लूड किया गया है इसमें। डेजिग्नेशन भी ली गई है कि आपकी एजुकेशन या तो आप एम्प्लॉय किस पर्पस के हैं, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या अदर देन एम्प्लॉय कोई पर्सन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली गई है। ये तो होगी डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। अब मेरा जो क्वेश्चन ईयर है उसके डिफरेंट क्वेश्चंस के सेक्शंस डिवाइड हैं। एक तो मैंने नॉर्मली जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो मैंने पुट किए हैं, साथ में ही लिकर्ट स्केल से रिगार्डिंग क्वेश्चंस लगाए हैं। अब लिकर्ट स्केल का एक क्वेश्चंस मैं लेती हूँ। इसमें मैंने 1 ऑप्शन दिया है स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए, 2 ऑप्शन दिया है डिसएग्री के लिए, 3 ऑप्शन दिया है न्यूट्रल एंड 4 दिया है एग्री, 5th दिया है स्ट्रॉन्गली एग्री के लिए। तो ये मैंने शॉर्ट वर्ड लिखे हैं अपने आप को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। या तो आप पूरा फुल इसमें फॉर्मेट बना सकते हो, या सिंपली आप इस तरह से डाटा एंटर कर सकते हो। अब कौन सी स्केल में आएगा, कौन सी नॉमिनल स्केल में आएगा, कौन सी ऑर्डिनल स्केल में आएगा, या किस में जो है, जहाँ पे क्वेश्चन रेशियो इंटरवल का होता है, जो आपने इंटरवलिंग का लगाया हुआ है, तो वहां पे जो रहता है वो आपकी स्केल ही यूज की जाती है जब आपने क्लास इंटरवल लगाया होता है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है तो यहाँ पे भी स्केल ही आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे रेशियो का क्वेश्चंस है वहां पे भी आपका रेशियो के क्वेश्चंस में भी स्केल यूज किया जाएगा। जहाँ पे ऑर्डर में है 1 2 3, जैसे +2 UG PG ऑर्डर में है तो वो ऑर्डिनल में जाएगा। जहाँ पे सिंपली यस नो मेल फीमेल या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो नॉमिनल में जाएंगे, लेकिन कभी कभार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऑर्डर में होते हैं वो ऑर्डिनल में जाते हैं। तो इस तरह से SPSS में वेरिएबल व्यू आपको देखने में मिलता है। वेरिएबल व्यू का जो फॉर्मेट है वो सामने आप देख सकते हैं, वो इस तरह का रहता है। अब जितने आपके क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को आप लिखें, लेकिन लेबल में आप पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पुट कर सकते हैं ताकि वो आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट इजिली अंडरस्टैंड हो सके। तो जो लेवल है आपका, उस लेवल में आप पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दे। नेक्स्ट हम जो वीडियो होगी वो मेरी ट्रांसफॉर्म या फिर रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन क्रॉस टेबल आप किस तरह से लगा सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।